हाय गाइस, एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं गुलजार हाशिम और आज हम आए हैं रिवरलैंड। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ रिवरलैंड में और जो कि चार जोन पर मुश्तमिल है, जिसमें पेनिनसुला, बोर्डवॉक और इंडिया गेट। करंटली मैं हूँ फ्रेंच विला में और अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जगह 16th सेंचुरी में लेके जाने वाली है, क्योंकि उसी तरह के विलास आपको देखने को मिलेंगे। एनवायरमेंट, लाइव म्यूजिक, एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, डाइनिंग मिलेगी, शॉपिंग के लिए बुटीक्स मिलेंगे, आपको 16th की याद आ जाएगी। और अगर आपने यूरोप जाने का कोई प्लान किया है, नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, तो दुबई विजिट करें और इस जगह को आकर आप यूरोप फील कर सकते हैं। ये जगह है दुबई में पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स में। तो देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है, साथ रहिएगा हमारे। रिवरलैंड में इंटर होते ही आपको ये साइन मिलेंगे, जिसमें एटीएम, लॉकर्स और इंफॉर्मेशन डेस्क आपको यहाँ मिलेगा। उसके साथ जिन चीजों की ममानियत है उनका भी साइन बोर्ड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। रिवरलैंड में वाईफाई टोटल फ्री है। आप अगर ट्रेवल करते हैं तो जब इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं तब जाके आपको ड्यूटी फ्री की इमारत मिलती है, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल है। आप इस मैकडोनल्ड को ही देख लें, आपने कई बार विजिट किया होगा, लेकिन यहाँ पर एक यूनिक बिल्डिंग बनाई गई है मैकडोनल्ड के हवाले से, ये भी आपको देखने को मिलेगी। आप इस पुरानी इनोवेशन को ही देख लें कि उस सदी में वाटर व्हील यूज करके किस तरह पानी निकालते थे। तो फ्रेंड्स, अभी भी हम फ्रेंच विलास में ही हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जगह 16th सेंचुरी की याद दिलाती है। आपने वाटर व्हील देखा उस दौर का, विलास देखे, इसके साथ साथ आप यहां के वॉल्स देख लें तो ऐसा लगता है कि हम यूरोप में ही आ चुके हैं। तो अगर आपने ये जगह नहीं देखी तो इस जगह पर ज़रूर आइएगा अपनी फैमिली के साथ। जो भी देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आ जाएं मेरे साथ, आ जाएं, हम यहाँ पर एक और चीज देखने वाले हैं, आ जाएं मेरे साथ। यहाँ पर विश लिस्ट के नाम से ताले फिक्स किए जाते हैं। अगर आपके मन में कोई मुराद हो तो यहाँ पर आएं, अपने नाम का ताला फिक्स कर दें। इस बारे में मुझे तो ज्यादा पता नहीं, अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं पेनिनसुला में। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि रिवरलैंड में भी चार जोन हैं, उसमें फ्रेंच विला। अभी सेकंड हम आए हैं पेनिनसुला में और जब हम यहाँ पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पर भी प्रिकॉशंस ऑफ कोविड-19 की वजह से इसको बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पर होती है लाइव परफॉर्मेंस, तो गैदरिंग की वजह से बंद किया गया है। बाकी यहाँ पर हमने आयरिश विलेज जरूर देखा, जो कि यूरोप के उन पुरानी बिल्डिंगों में से एक था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिवरलैंड में भी चार जोन्स हैं और अभी मैं थर्ड जोन यानी द रिवर पर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं नज़ारा। और अगर मैं इंफॉर्मेशन देता चलूँ इस रिवर की, तो ये 1.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 5 मीटर ये डीप है और 55 मीटर्स ये वाइड है। आप इस रिवर के साथ वॉक कर सकते हैं और इसके साथ साथ अब्रा की सर्विस भी मौजूद है, आप फैमिली के साथ राइड भी ले सकते हैं। एक अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे एग्जैक्टली एक ब्रिज देख रहे होंगे और अगर मैं इसके बारे में बताता चलूं कि क्योंकि पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स में टोटल 10 जोन बनने वाले हैं इन फ्यूचर, फिल वक्त हमें सिर्फ 4 जोन्स मिलते हैं और अगर ये जोन्स को एक्सटेंड करेंगे इन फ्यूचर तो यही ब्रिज काम आएगा।
हाय फ्रेंड्स, तो इस वक्त मैं हूँ पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स के थर्ड जोन और रिवरलैंड का फोर्थ जोन यानी इंडिया गेट रॉयल वेलकम पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बॉलीवुड पार्क्स दुबई, जो कि इटसेल्फ फोर्थ जोन पर मुश्तमिल है। इसमें आप फिल्म स्टूडियो देख सकते हैं, जहाँ पर आप इंडियन ब्लॉकबस्टर मूवीज के सेट देख सकते हैं, डायलॉग्स पढ़ सकते हैं दीवारों पर लिखे हुए जो बहुत फेमस थे अपने ज़माने की ब्लॉकबस्टर मूवीज के। उसके साथ साथ आप रस्टिक रिवाइन देख सकते हैं, रॉयल पैलेस देख सकते हैं, और उसके साथ जो मेन जो जोन है वो है मुंबई चौक। तो वहाँ पर आप वही चटपटी खाने जो हम एशियन पसंद करते हैं वही आपको खाने को मिलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी बंद किया हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। तो जैसे ही ये ओपन होगा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कोई टिकट काउंटर ओपन नहीं है, ना कोई पब्लिक है। बॉलीवुड पार्क जैसे ही रीओपन होता है मैं ज़रूर यहाँ आऊँगा, चारों जोन को एक्सप्लोर करके एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, तो आप इंजॉय कर सकें, बस साथ रहिएगा हमारे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ बोर्ड वॉक में और ये जगह आपको लेके जाने वाली है 1950s के उस दौर में, जहाँ अमेरिका में बोर्ड वॉक होती थी कवर्ड बाय पाम ट्रीज, जहाँ पर आपको बच्चों की एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, आपको लाइव म्यूज़िक मिलेगा, लाइव एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ आएँ। मुझे यकीन है कि आप यहाँ पर आकर रिचार्ज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसी तरह के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, कॉफ़ी शॉप्स मिलेंगे, बंच आप बुटीक्स मिलेंगे शॉपिंग करने के लिए। एक लंबी वॉक मिलने वाली है आपको यहाँ पर खुद को एक्टिव रखने के लिए। और प्रिकॉशंस ऑफ कोविड की वजह से कुछ रेस्टोरेंट्स बंद है, अगर आप यहाँ हैं तो डोंट मिस दिस प्लेस। हाय फ्रेंड्स, तो इस वक्त मैं हूँ मोशन गेट के पास, जो कि पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स का थर्ड जोन है, जो कि इटसेल्फ चार जोन पर मुश्तमिल है। तो ये जगह एडल्ट और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आपको यहाँ देखने को मिलेगा कोलंबिया स्टूडियो, ड्रीम वर्क, हॉलीवुड स्टूडियो। इसके साथ साथ बच्चों के लिए है स्मर्फ्स विलेज और काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं आप जहाँ पर लजीज खाना खा सकते हैं, और काफ़ी लाइव म्यूजिक, लाइव इंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलेगी। मोशन गेट के अलावा जो जोन इस वक्त बंद है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, तो जैसे ही रीओपन होता है मुकम्मल तौर से, तो मैं दोबारा आकर बाकी जो रह गए हैं जोन्स उनकी भी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, ताकि आप पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स की पूरी वीडियो देख सकें। हाय फ्रेंड्स, तो इस वक्त मैं हूँ लेगोलैंड पार्क के फ्रंट गेट पे, जो कि इस वक्त बंद है बिकॉज ऑफ सेम कोविड सिचुएशन, यहाँ पर कोई पब्लिक नहीं है। और लेगो के बारे में कुछ बताता चलूँ कि ये वाहिद दुनिया का पार्क है जो इंडोर एयर कंडीशन है, और अगर आपके बच्चों को लेगो का शौक है तो लेगोलैंड जैसे ही रीओपन होता है तो अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों को ज़रूर लाएं यहाँ पर। काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, टोटल 40 राइड हैं इसमें, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट रोलर कोस्टर है, हैंगओवर है, और ये जगह बहुत ही अच्छी है बच्चों की एक्टिविटीज़ करने के लिए। फ्रेंड्स, पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स थीम पार्क्स को आप एक ही दिन में कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको चाहिए नाइट स्टे। तो यहाँ पर है लेपेटा होटल, आप यहाँ पर आएँ फैमिली फ्रेंड्स के साथ, रूम बुक करें, आप नाइट स्टे करके सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग से इवनिंग तक बाकी तफरी पूरी ले सकते हैं, बाकी जोन्स को विजिट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, आज हमने पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स के चार जोन में से फर्स्ट जोन, जिसको कहते हैं रिवरलैंड, उसको कंप्लीट किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उसके साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।